निकला कि पुलिस आई है। पुलिस? चल अंदर चल। भाग गया। गुलाम मुल्क के हुक्मरानों की नजर में जंग आजादी का हर सिपाही बागी और गद्दार माना जाता है, लेकिन अपने देशवासियों के दिलों में वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला वतन परस्त है, मुल्क पर कुर्बान हो जाने वाला एक सच्चा देशभक्त है, आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाने वाला एक जहांबाज सिपाही है। दीनानाथ, हमें खुशी है तुम पुर्तगाली पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए। कहीं पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेती तो? नहीं नार्वेकर जी, उन दरिंदों के हाथों गिरफ्तार होने से पहले मैं अपने हाथों अपने सीने में गोली मार लेता। हमें तुम पर नाज है दीनानाथ, हम जानते हैं तुम हर जुल्म बर्दाश्त कर लोगे। पुर्तगालियों को हमारे बारे में, हमारे अड्डों के बारे में कुछ नहीं बताओगे। लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा इकलौता बेटा भी है, और बेटा कभी भी बाप की कमजोरी मान सकता है। हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें सरहद पार भेज दिया जाए। पुरंदरे, चल उठो। नहीं, मैं अब आगे नहीं चल सकूंगा। कोशिश करो, तुम्हारी इस जख्मी हालत में तुम मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते। तुम भाग जाओ, जाओ। नहीं,
मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं गिरफ्तार होना नहीं चाहता। तुम मुझे गोली मार दो। क्या? हाँ पुरंदर, मुझे मार डालो। नहीं नहीं, तुम जैसे देशभक्त का खून मेरे हाथों कभी नहीं। ये खून नहीं, मुक्ति है। मुझे मुक्ति दे दो पुरंदर, मुक्ति दे दो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा रहा है। मेरे होश जा रहे हैं पुरंदर, मेरे होश जा रहे हैं। कहीं बेहोशी में मैं पुलिस को कुछ नहीं नहीं, मेरे नाम पर गद्दारी का थप्पा मत लगने दो पुरंदर। मुझे इज्जत की मौत मरने दो। जल्दी करो, वो लोग आ जाएंगे। मुझे अपने हाथों से शहीद कर दो। मुझे शहीद की मौत दे दो पुरंदर, शहीद की मौत दे दो। मेरे रामदास का ख्याल रखना। क्या बात है बेटे? पुलिस, पुलिस मेरे पीछे। डरो नहीं। ऐसा करो सरस्वती, तुम इन दोनों को ले जाओ और घास के उस ढेर में छुपा दो। अच्छा, जल्दी करो। चलो, आओ मेरे साथ। ढूंढो। क्या क्या बात है? अरे क्या चाहते हैं आप लोग, बोलिए ना क्या बात है? बच्चा यहाँ नहीं है, बच्चा इधर भी नहीं है। बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा? जिसे मैंने खुद यहाँ आते हुए देखा। मैं किसी भी बच्चे को नहीं जानता। और मैं इन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? बोल, चल। बोल वरना तेरी जान ले लूंगा। बोल बच्चा कहाँ है? आपकी यह हालत? कल रात दीनानाथ के बेटे को ढूंढती हुई पुलिस यहाँ आई थी। अच्छा, तो फिर रामदास? नहीं, वो यही है। ओह, शुक्र है। रामदास, रामदास रुक जाओ। पिताजी, रामदास भाग गया। चाची, चाची जो रात में भी जाग रहा था। हाँ शेखर बेटे, उसने कल जो देखा है वो उसे जिंदगी भर नहीं सोने देगा। उसकी खामोशी देखकर लगता था जैसे वो एक मुंह बंद ज्वालामुखी है, न जाने कब पड़ जाए। उसकी जिम्मेदारी अब मुझ पर है भाई साहब, उसे कैसे भी ढूंढना पड़ेगा। रामदास चलाए चप्पू गोद पे पीवे बेड़ा, रामदास जलाए चप्पू। कहाँ रामदास? और तेज। मामा देखो बेचारे को कितना पसीना आ रहा है। हाँ जूली, वो बेचारा थक गया है, लेकिन उस बेवड़े को तो कोई शर्म ही नहीं है। ए गॉडफ्रे,
रखा टाइम फेनी क्या पीता है, बच्चे को मदद करो। अरे रामदास चप्पू तेज चला, साला खाना पूरे दो आदमी का खाता है और काम आधे आदमी का भी नहीं करता। अभी देखता क्या है, आंखें फोड़ दूंगा तेरी। चप्पू चला चला रामी की औलाद कुत्ता। अरे गाली काय को देता मैं, तुमको इसे क्या ले रहा है, है? हम साला इसको अभी नौकरी से निकाल देगा। अच्छा अच्छा निकाल देना, निकाल देना। साला एक दिन भूखा रहेगा ना तो सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम इसको हमारे घर लेके जाए। हाँ हाँ जूली हम लेके जाएंगे, ले जाओ इसे घर को। हाँ तुम क्यों बैठो रामदास, तुम हमारे साथ चलो। ये गोपाल कैसा बाप है रे तू, देखता नहीं बच्ची को नींद आता, उसको घर ले जाके सुला दे। अरे भूखे पेट इसको कहाँ नींद आएगी मामा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे तो सीधा सीधा बोल ना कि खाना मांगता है। जूली। हाँ मामा। जूली इसको थोड़ा फिश और चावल दे दे। थैंक यू मामा। ठीक है ठीक है, तू आ गया। शाबाश शाबाश, चार बाटली लेके आया ना, बराबर छुट्टा गिन के लिया। अच्छा अभी डब्बा निकाल दे। छोकरे एक सोडा ला, सोडा जल्दी ला छोकरे। क्या रे तुम लोग उसको छोकरा छोकरा करके बुलाता है, नाम से नहीं बुला सकता क्या? छोकरा ये लाओ, छोकरा पापड़ लाओ, छोकरा सोडा लाओ। पैसा लाया कि आज भी उधार लेने वाला है? हाँ ये ले। ए, तेरा नाम क्या है? रामदास। रामदास तू तुलसीदास का भाई तो नहीं है? मुझे तो इस नाम से देशभक्ति की बू आती है। कौन सी मारूं? वो बीच वाली। अबे खेलेगा क्या रामदास? खबरदार जो मुझे रामदास का। अबे रामदास नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? मेरा नाम रोनी है। चुप है। अबे रामदास 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 खबरदार जो मुझे रामदास का। अबे एक बार नहीं हजार बार कहूँगा साले। बोल क्या नाम है मेरा? क्या नाम है मेरा? बोल 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 क्या नाम? बोल क्या नाम है? रोनी रोनी। क्या नाम है? रोनी रानी 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 तुम्हें रामदास और देशभक्ति के नाम से इतनी नफरत क्यों है? तुमने नाम भी बदल लिया लेकिन अभी तक देशभक्तों से नफरत खत्म नहीं हुई, क्यों? यह मेरा जख्म है जूली, इसकी दवा भी मैं ही करूंगा। रोनी क्या देख रहे हो? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई किस लिए? जिंदगी में मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए जूली,
आसमान की ऊंचाई और समुद्र की गहराई। पता नहीं क्या बोल रहे हो, ये लो। फेरियार ये सब अपनी जगह खड़े रहो। पीटर तुम उधर जाओ, फर्नांडिस तुम उधर जाके खड़े हो जाओ। अरे ये सब आदमी अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहना। तुम्हारे लिए आई है। पानी में कूद जाओ। लेकिन मेरी बात मानो, पानी में कूद जाओ। से क्या कहें साहब, जो समुद्र में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करे। ठीक है जो अपना काम करो। थैंक यू साहब। लेकिन आपका क्या ख्याल है, वो बच जाएगा? मुंटारो की नजर से आज तक कोई नहीं बच सका, ये कैसे बच जाए? मुझे लगता है बच गया साहब, बच गया। इडियट। इस पेटी में क्या है? चुप रहो। जरूर चोरी का माल होगा, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे लेने की? फेंक तो यहीं पे। नहीं, मैं कहती हूँ। तुमने इसे खोला नहीं? तुमने संभालने के लिए कहा था, खोलने के लिए नहीं। पुलिस से तुम्हें डर नहीं लगा? मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है, अपने गुस्से से। ये लो। क्यों, कम है? हाँ। और चाहिए? दो, चार, दस? कुछ नहीं, सौदा करना होता तो पार्सल संभालने से पहले करता। सुनो, मेरे साथ काम करोगे, बहुत रुपए मिलेंगे। मुझे बहुत बहुत रुपए चाहिए। काम बहुत खतरे का है। रॉनी अपनी हर सांस के साथ खतरा पकड़ता है और हर सांस के साथ खतरा छोड़ता है। काम बताओ। चलो उठाओ, जल्दी करो, हरी अप। करीम जॉन, बक्सा ले लो। नंदू दादा, ये बक्सा मत ले जाओ, इस बार हमें छोड़ दो। क्यों, इस बार घड़ियों के जगह हीरे स्मगल कर रहे हो क्या? नंदू दादा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है, इस बार मुझे छोड़ दो। इसके बाद मैं स्मगलिंग नहीं करूंगा, ये माल बेचकर हमेशा के लिए फॉरेन चला जाऊंगा। तू फॉरेन जाकर स्मगलिंग करेगा? अबे तू वहां चला जाएगा तो हम यहां क्या करेंगे? चलो। नंदू दादा।
कौन हो तुम? नाम तो मेरा रॉनी है, लेकिन इस वक्त अपना बाप समझ लो। इरास्मो को जितना माल तुम लोग आज तक चुराते आए हो, वो इस पेटी में भर के वापस ले जाने आए हो। इस पेटी में माल नहीं, तुम्हारी लाश वापस जाएगी। अटैक! दम नहीं घुटेगा, अभी तो इस बक्से में सुराख हैं, सांस ले सकोगे, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारे जिस्म में जितने सुराख हैं ना सब बंद कर दूंगा, समझे? रंगीन हो
साहिबा, आओ आओ। कैसी हो जूली? अच्छी हूँ साहिबा। मैं पोंडा गया था। हाँ। अंजलि की शादी की डेट फिक्स हो गई है 17 की। कौन से महीने की? इसी महीने की, सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए। पता नहीं शादी कैसे होगी। क्या मतलब कैसे होगी? अरे भाई बड़े धूमधाम से होगी, पैसे की फिक्र मत करना, मैं अरेंज कर दूंगा। थैंक यू साहिबा। पैसा बहुत मिल जाएगा जी। जाएगा कहां पैसा? मुझे पैसा नहीं, रोनी चाहिए। मेरे लिए जिंदगी में बस दो ही इंसान प्यारे थे, एक मामा और एक तुम। मामा के मरने के बाद तुम ही तुम हो। तुमने जो कहा मैंने वही किया, ये जानते हुए भी कि तुम गैर कानूनी काम करते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं टोका। मुझे तुमसे मतलब है, तुम्हारे काम से नहीं। काम से भी मतलब हो जाएगा। एक छोटे से तालाब की छोटी सी मछली अब बड़े समुंदर में आ गई है, और जल्दी इस समुंदर के सारे कीमती मोती तुम्हारे होंगे, मेरे होंगे। मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूं जूली, वरना उस रात को ही पुलिस के हाथों मारा जाता। वो रात और उस घर के लोग मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। सुनिए, शेखर की रिजल्ट तो सुबह ही निकल गई होगी ना? हाँ हाँ, और वो आता ही होगा। तू क्यों फिक्र कर रही है? तेरा बेटा हर साल पास होता रहा है और इस साल भी पास ही होगा। माँ, मैं पास हो गया। जीते रहो बेटे, जीते रहो। पिताजी, शाबाश बेटा, जिंदगी के हर इम्तिहान में इसी तरह पास हो। शेखर बेटे। आंटी आइए ना, आइए। पिताजी, ये है मिस्टर कामत, गोवा गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते। ये है मेरी पत्नी। नमस्ते। और ये है उषा, हमारी बेटी। आइए बहन जी, शेखर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई हो। अभी वक्त है बेटी, सोच लो, इस घर में रह सकोगी? हाँ डैडी, मेरा फैसला फाइनल है। भाई साहब, इस पिछड़े हुए इलाके में जो जागृति आई है वो सिर्फ आपकी शिक्षा की वजह से। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये शेखर को आपने अपने उसूलों से अलग कैसे रखा? देखिए बहन जी, मैंने कभी किसी को किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अपना रास्ता खुद तलाश करो और सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। शेखर आगे पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता है, मैंने सब उसका इंतजाम कर दिया है, बस आप दोनों की अनुमति चाहिए। कामत साहब, मैंने शेखर को कभी किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया। अगर वो अमेरिका जाना चाहता है तो जरूर जाए। कभी कभी मैं अपने आप को खुदगर्ज समझता हूं। क्यों? मेरे माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी, अपना सुख कभी नहीं सोचा, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है मैं उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका जा रहा हूं। तुम उनकी फिक्र मत करो शेखर, जब तक तुम अमेरिका में रहोगे मैं उनकी देखभाल करूंगी। तुम? वो मेरे भी तो माँ बाप हैं। उषा, आपने बुलाया? हाँ रोनी, पाब्लो को बोलो कि ये पार्सल काबलाम ग्रेवयार्ड ले जाए, वहां एक आदमी फादर जोसेफ की ग्रेव पूछेगा, उसे दे देगा। क्या है इसमें? गोवा के रिवॉल्यूशनरीज ने रिवॉल्वर्स की गोलियां खरीदी हमसे। पार्सल पहुंचे। फादर जोसेफ की ग्रेव किधर है? फादर जोसेफ? हाँ,
शुक्रिया। पुरंदरी जी, पुलिस की जीपें आ रही हैं। लगता है पुलिस तुम्हारा पीछा करते हुए यहां पहुंची है। भागो। ढूंढो इन हरामजादों को। गो। गाड़ी चलाओ वरना गोली चला दूंगा। शेखर, शेखर कहां चले? अच्छा चलता हूं शेखर बेटा, पहचाना नहीं। अरे चाचा जी आप जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत बहुत बधाई हो ग्रेजुएट होने की भी और अमेरिका जाने की भी। थैंक यू सर। लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे हमें तो चारों तरफ की खबर रखनी पड़ती है। अरे हाँ भाभी कह रही थी हमारी होने वाली बहू बड़ी सुंदर है। चाचा जी खून बह रहा है। अरे ये नहीं बहेगा तो आजादी कैसे मिलेगी? छोटी सी गोली लग गई है, मैं निकाल लूंगा। चलिए मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, हमने तो ऐसा मर्ज पाला है जिसके डॉक्टर भी हम खुद हैं। तुम इसकी फिक्र मत करो, पुर्तगाली गोलियों में इतना दम नहीं कि हमारा दम निकाल सके। चाचा जी आपने अपनी सारी जिंदगी देश की आजादी के लिए लगा दी, लेकिन आपको क्या मिला? दिन रात की भागदौड़, हर वक्त की मुसीबतें, जैसे भैया गोलियां। तुम यह नशा नहीं समझोगे बेटा, इस नशे का जरूर ही कुछ और है। लेकिन वक्त आएगा तो तुम भी यह नशा करोगे। तुम दयानंद का खून हो और वो खून एक न एक दिन पुकारेगा जरूर। हाँ पुलिस की जगह मैं होता तो एक भी कम वक्त नहीं बचता। फिर भी आज दो गए, कल चार जाएंगे और एक दिन सबके सब इनकलाबी खत्म। तुम कुछ खाओगे नहीं? तुम उन लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हो? रानी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। जूली मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं मेरे काम में दखल मत दिया करो। फिर भी आज अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो, लेकिन आज के बाद एक सवाल नहीं। क्या जानना चाहती हो तुम? आज जो हुआ क्या तुमने पुलिस को खबर दी? नहीं। हाँ कम से कम 50 लाख का सोना है उसमें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे स्मगलर का माल हम कैसे? उसे क्या, वो भी तो चोरी का ही माल है, चोर से हम चुरा लेंगे।
मेरा हिस्सा कितना होगा? ओहो, हिस्से की क्यों फिक्र करते हो? वो तो होता ही है। सिर्फ मुंह जबानी होता है। आज से मुझे कैश चाहिए, वो भी 50-50। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लाख की हैसियत है तुम्हारी? हैसियत तो करोड़ों की है, लेकिन इतने साल तुम्हारे साथ काम किया इसलिए तुम्हें आधा हिस्सा दे रहा हूं, वरना रॉनी किसी दूसरे का माल चुराता नहीं। सुनो सुनो, देखो ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं। और मौका हाथ से छोड़ना बेवकूफी है, क्यों? ठीक है, 50-50। समझो माल आ गया। अब हमारा माल बीच पर उतार सकते हैं ना? श्योर श्योर, मुंटारो को सलामी देने के बाद इस इलाके में कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू। किसने निकाले? कौन है तुम? वही जो तुम्हारी जात से थोड़ा ऊंचा है। क्या बकते हो, ये टायर्स क्यों निकाले? सिर्फ निकाले हैं, पंक्चर तो नहीं किए। कहो तो पंक्चर भी कर दूं। ब्लडी फूल, जानते नहीं मैं कौन हूं? चोर का भाई चोर, और मैं चोर पे मोर। जीप में है। ए, जीप की नहीं, इस गाड़ी की चाबी मांग रहा हूं। इसमें रोनी, जैसे ही ये सोना मार्केट में आएगा मेरे पास 50 लाख रुपए हो जाएंगे। 25 लाख, 25 याद है, 50-50। 25 लाख तुम्हारे पास, 25 लाख मेरे पास, अब मैं एक लखपति बन जाऊं। रोनी अ मिलियनेयर।
नहीं मायके मत, मायके मत, तुम मायके मत जाइयो। हाँ हाँ छोड़ दिया। ए टोनी फर्नांडिस बेबी, थैंक यू थैंक यू। मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। तू मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। तू मायके मत जाइयो आ आ, तू मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। तू मायके मत जाइयो। जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी के दो महीने लगती है मुझको सर्दी। जनवरी फरवरी के दो महीने लगती है मुझको सर्दी। तू क्या जाने, तू क्या जाने सर्दी ने जो अरे हालत पतली कर दी। मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। मायके मत जाइयो। अरे मार्च अप्रैल में बाहर कुछ ऐसे झूम के आए, आज अप्रैल में बाहर कुछ ऐसे झूम के आए। देख के तेरा, देख के तेरा गदरा बदन है दिल मेरा ललचाए। मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। मायके मत जाइयो। जून का आता है जब रंगों भरा महीना, मई और जून का आता है जब रंगों भरा महीना। देख तेरा मलमल का कुर्ता आ, ए, ओ, अरे छूटे मेरा पसीना। मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। तू मायके मत जाइयो। जुलाई अगस्त में सावन ऐसे रिम झिम बरसे। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम जारा। जुलाई अगस्त में सावन ऐसे रिम झिम बरसे। बंद कमरे में, अरे बंद कमरे में बैठेंगे हम, निकलेंगे ना घर से। मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। तू मायके मत जाइयो। सितंबर अक्टूबर का मौसम होता है प्यारा। सुनो मेरे लंबूरे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरा साथी रे। अरे सितंबर अक्टूबर का मौसम होता है प्यारा। ऐसे में मैं
अरसे में मैं रहूं अकेला ये नहीं मुझे गवा। तू मायके मत जाइयो मेरी जान, मायके मत जाइयो। नवंबर और दिसंबर का तू पूछ न हाल, हाय नवंबर और दिसंबर का तू पूछ न हाल। सच तो ये है, अरे पगली सच तो ये है, हाँ सच तो ये है पगली, हम ना बिछड़े पूरा साल। मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान, मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान। तू मायके मत जाइयो, तू मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान, मायके मत जाइयो। रासमो है रामजादे, तूने मोंटेरो से सोना चुराने की हिम्मत कैसी की? अब लतीफ लतीफ, बात सुनो बात सुनो। दरअसल मेरे आदमी से गलती हो गई, तुम्हारा सोना मेरे पास सेफ है। मेरा सोना इसी वक्त मेरे पास वापस भेज दो। हाँ श्योर। और अपने उस आदमी को भी, उससे उसकी गलती की सजा मैं खुद दूंगा। अब लेकिन लतीफ, वो आदमी मेरे बड़े काम का है। बकवास बंद करो, सोना बागा बीच भेजो और उस आदमी को डोना पोला। बेटा रोने, अब कर लो अपने 25 लाख रुपए वसूल। वास को चले गए? नहीं, मैं पंजी जा रहा हूं। गोल्ड के सौदे का एडवांस कहां है? ये रहा एडवांस। बचने का कोई रास्ता नहीं, सामने खड़ी सब गाड़ियों में मेरे आदमी मौत बनकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने मोंटेरो से मेरा सोना चुराया, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी चुराऊंगा। चलो कश्ती में बैठो।
जाएगी बचकर। किधर भाग दिया? छोड़ दो, मुझे। अच्छा नहीं, अब तो आराम जाने। रोनी, रोनी, मेरे रोनी, ये मेरी इज्जत लेना चाहता था। मार डालो उसे। Kill him, I beg you, kill him. हरामजादे, तू अपनी बाप की औलाद नहीं। अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी की जान खतरे में। साले, मेरी जूली को हाथ लगाता है। कमीने, तेरी एक एक हड्डी तोड़ के मैं सड़क पे फेंक दूंगा। निकल। के साथ धोखा बेईमानी सब बंद। आज के बाद रोनी तुम सबको बराबर का हिस्सा देगा। कैसा लगा ये चीज जो मैंने दिया? अच्छा था ना? टेरी, देखो तुम्हारे लिए शर्ट पीस लाया। अंजलि, ये शर्ट पीस है। हमको मालूम है, हमको मालूम है। थैंक यू साहब, थैंक यू। थैंक यू। सिमाल को, पाब्लो, इस बॉक्स। हेलो, थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे खोलो तो सही, जा कहाँ रहे हो? खोलता है साहब, खोलता है, खोलता है। अरे क्या ये तुम्हारी वाइफ के लिए है, तुम्हारे लिए फुल पैंट ला। अंजलि, ये पैंट दो इसे। थैंक यू अंजलि, थैंक यू वेरी मच साहिबा, थैंक यू वेरी मच। अरे वो साहिबा, बाईपास हो गया, पेन के लिए बोला था ना। पेन? कौन सा पेन? हाँ ये पेन दो इसे। एक पेन की सब? हाँ एक पेन दे दो। मामा कहाँ है? मामा, मामा को बुलाओ। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा रोनी आ गया। मामा, हाँ मामा, तुम्हारी शादी पक्की कर दी है मैंने। हांगकांग में लड़का देख कर आ रहा हूँ, बहुत अच्छा है। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं देता बेटे। अभी सुनाई देगा, अभी सुनाई देगा, ठहरो। ये देखो, इसे कान में लगाओ ऐसे, और इसको किया ऑन। मैंने कहा शादी पक्की कर दी है तुम्हारी, लड़का हांगकांग में रहता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। मैं सुन सकती हूँ,
मेरे बच्चे मैं सुन सकती, मेरे बच्चे मैं सुन सकती हूँ, सुन सकती अंजलि बेटी मैं सुन सकती हूँ, अरे जॉनी टॉनी, अरे बाबा मैं सुन सकती हूँ, अरे लोगों देखो मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या लाया है, मैं सुन सकती हूँ, अरे देखो मैं सुन सकती हूँ, मेरे बच्चे Yes. Good evening, Mr. Monteiro. Good evening. Viva Portugal. Viva Portugal. मैं पहले भी आपको मिल चुका हूँ. आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, Mr. Monteiro. मेरा नाम रॉनी है. आपके लिए एक प्रेजेंट लाया था. प्रेजेंट? किस लिए? एक नए बिजनेसमैन के लिए गोवा के इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को प्रेजेंट देना बहुत जरूरी है. क्या बिजनेस करते हैं आप? यही गोल्ड का. बाहर से सोना यहां आता है और हम उसे इधर उधर भेजते रहते हैं. आज के बाद जितना सोना यहां आएगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा. वो कहते हैं ना कि समुद्र में रहकर मगरमच्छ के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए. स्मार्ट गाय. जब से मैंने ये काम संभाला है मैं तुम्हारे लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल सका, लेकिन मैं क्या करूं, काम इतना बड़ा है कि उसे एस्टैब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगती है. एक बार मैं या यस सर. गुड इवनिंग सर. जी हाँ सर्टनली सर, सर्टनली. आप फिक्र मत कीजिए, पार्टी का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगा. थैंक यू सर. गुड नाइट. Viceroy का पर्सनल असिस्टेंट कल यहां आ रहा है. कम ऑन चीज. अच्छा थैंक यू. I'll just come fix myself. Suddenly. शेखर, अमेरिका जाके तुम मुझे हर रोज चिट्ठी लिखोगे ना? जरूर लिखूंगा, और कोई हुक्म? और जिस दिन तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई मैं खुद वहां चली आऊंगी. फिर तो मैं कभी नहीं लिखूंगा, ताकि तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ. क्यों ली बेबी? आई एम रियली सॉरी. कम ऑन बॉय, जस्ट अ मिनट, स्टॉप द म्यूजिक. दोस्तों, जिस तरह आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आज की ये शाम आप सब लोगों को हमेशा के लिए याद रहे. आज मेरी जूली का जन्मदिन है. उन्नीस नवंबर की ये शाम रॉनी की जूली के नाम. आप सब लोगों को मेरी तरफ से दावत है, खाइए पीजिए मौज उड़ाइए एंड लेट्स हैव सम म्यूजिक. मैं तू सबसे हंसी है, तेरे जैसी और यहाँ कोई नहीं है. शौक अदाएं मस्त निगाहें, प्यार भरे दिल में कई तूफान उठाए. तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना. जान जिगर दुनिया में तू सबसे हंसी है, यहाँ कोई नहीं है. रूप की रानी चेहरा नूरानी, मार गई मुझे तेरी चढ़ती जवानी. तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना.
लगती है झूलों की तरह। ला 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 ला। सांसें तेरी महकती हैं फूलों की तरह, कमर तेरी लचकती है झूलों की तरह। अरे तू कमाल है बेमिसाल है, अरे मस्त मस्त हिरनी जैसी तेरी चाल है। तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना। अरे चल जिगर दुनिया में तू सबसे हसी है, तेरे जैसी और यहाँ कोई नहीं है। अरे शौक अदाएं मस्त निगाहें, अरे प्यार भरे दिल में कई तूफा उठाए। तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना। लूट लिया तूने जाने मन। तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना। अरे जान जिगर दुनिया में तू सबसे हसी है, अरे तेरे जैसी और यहाँ कोई नहीं है। रूप की रानी चेहरा नूरानी, मार गई मुझे तेरी चढ़ती जवानी। तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना, तेरा तो मैं हूँ दीवाना। That was a lovely time. All the music and the dancing. Good evening, sir. Pablo? Sahiba, ek aadmi aapse milna chahta hai. Is waqt? No. Koi bhi ho, Pablo, usse keh do, ye waqt Ronnie ka nahi, uski Julie ka. Right? Come on. Aisa karo, tum usse kal subah kyun nahi bhej dete? Sahiba, wo din mein nahi aa sakta. Kyun? Kyun? Kyun nahi aa sakta din mein? Wo Azad Goa party ka hai. आजाद गोवा पार्टी, घर भेज दो उसे। गुड इवनिंग।
इवनिंग। मेरा नाम किरण भंडारे है। मिस्टर रेराजमो मुझे अच्छी तरह पहचानते थे। आप तो जानते होंगे वो हमारी मदद करते थे। बैठिए। थैंक यू। क्या चाहिए आपको? एम्युनिशन, बंदूकें, गोलियां, बम, बारूद। ये जुर्म है, पुर्तगाली सरकार से गद्दारी है, सजा जानते हो तुम? गुलामी भी तो एक सजा ही है, ऐसी सजा जिसके लिए हमने कोई जुर्म नहीं किया। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है, और इसी बेइंसाफी के खिलाफ हम जब आवाज उठाते हैं तो हम पर गोलियां बरसाई जाती है, हम अपना हक मांगते हैं तो हमें गद्दार ठहरा कर जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये सजा नहीं, ये जुल्म है, और इसी जुल्म को मिटाना हमारा फर्ज है। पुरंदरी जी का भी पूरा विश्वास है कि आप बैठो। मैं पुरंदरे जी से मिलना चाहता हूं। ये नामुमकिन है। तो फिर तुम लोगों के तरीकों से गोवा को आजाद कराना भी नामुमकिन है। दो 400 बंदूकों से गोवा को आजादी कभी हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए तो बाकायदा पुर्तगाली सरकार के अंदर घुस के एक साजिश करनी पड़ेगी। किस तरह? मैं अपना इतना बड़ा कारोबार, सरकार में इतनी बड़ी इज्जत सिर्फ तुम्हारे कहने पर दांव पे नहीं लगा सकता। तुम मुझे पुरंदर जी से मुलाकात का वक्त और जगह बता दो, हम लोग आपस में आमने सामने बैठ के सारी बातें कर लेंगे। ओके ओके। रोनी हो ना, मेरा नाम पुरंदरे है। लेकिन जिस पुरंदरे को मैंने देखा है वो तुम नहीं हो। वो तो दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। ये देखो, शायद जानते हो मेरे सर पे इनाम है। मुझे मेरा इनाम मिल गया। तुम्हारे दर्शन हो गए। हमें एमिनेशन चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन मुझे सोना चाहिए। हर एक गोली के लिए एक तोला सोना। रॉनी, तुम जानते हो एमिनेशन हमें देश की आजादी के लिए चाहिए। माफ करना मिस्टर पुरंदरे, देशभक्ति तुम्हारा बिजनेस होगा, मेरा नहीं। सोने का इंतजाम कल कर दो, एमिनेशन कल मिल जाएगा। ओके, मैं मैसेज भिजवा दूंगा। मेरा मैसेज तो अभी मिल जाएगा। पुरंदरे! शाबाश रानी, शाबाश। पुर्तगाली खून बहाने के लिए तुम्हें गोलियां चाहिए।
अरे आज तक अगर किसी ने ये सोचा भी है तो उसका नाम और निशान इस जमीन से मिटा दिया गया है। देख अपने चारों तरफ देख। हर पुर्तगाली बंदूक में गोलियां ही गोलियां भरी हैं और मेरे एक ही इशारे से ये सब की सब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हमेशा की जीत सुना देगी। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुर्तगाली सरकार ने अभी वो हथकड़ी नहीं बनाई जो पुरंदर के हाथ बांध सके। इनकलाब बहेगा नहीं तो आजादी कैसे मिलेगी बेटे? ये खून बहेगा नहीं तो आजादी कैसे मिलेगी बेटे? तुम दयानंद का खून हो, आज नहीं तो कल वो खून पुकारेगा जरूर, आज नहीं तो कल वो खून पुकारेगा जरूर। खून की पुकार सुन ली चाचा जी, आजादी मिलेगी जरूर मिलेगी। अब बाप का कफन मेरे सर चढ़ के बोलेगा। जूली, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। बॉम्बे से पाइपर प्लेन का इंतजाम करके सोना भेजूंगा। सोना प्लेन से भेजोगे? हाँ, स्मगलिंग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन रॉनी करेगा। वागातोरा बीच पर सोना गिराया जाएगा, वक्त और दिन
मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगा। ओके ओके बाय बाय। देशी मुझे गद्दार कहते हैं और देशवासी देशभक्त। जानते हो इसमें क्या है? सोना। और ये सोना रॉनी का अपना सोना है। और रॉनी गोवा का अपना बेटा है। उसे कह देना आज उससे ज्यादा धरती मां को इस सोने की जरूरत है। लेकिन रॉनी तुम लोगों को पसंद नहीं करता, वो देशभक्तों से नफरत करता है। और तुम भी नफरत करती हो? मैं दुश्मन समझती हूं उन शहीदों को जो इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए। गद्दार समझती हूं उन बहादुरों को जो इस देश की गुलामी की जंजीरें काटने के जुर्म में जेलों में सजाएं काट रहे हैं। आज हम आजादी मांग रहे हैं तो क्या सिर्फ अपने लिए? तुम्हारे लिए नहीं, रॉनी के लिए नहीं। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है और इस धरती पर आजादी से रहना, आजादी से जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हम इस आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कल तुम लड़ोगी, रॉनी लड़ेगा, सारा गोवा लड़ेगा और फिर गोवा आजाद होगा, हमारा गोवा आजाद होगा। मैंने एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है। कल ठीक 4 बजे जब हॉस्पिटल स्टाफ की ड्यूटी चेंज होगी, हम लोग अस्पताल में घुस के किरण को बाहर निकालेंगे। तुम दोनों बाहर गाड़ी में होगे, किरण के बाहर आते ही उसे कॉलन बीच हाट पे ले आना। एक्सक्यूज मी, मिस्टर किरण भंडारे कौन से कमरे में? किरण भंडारे सेकंड फ्लोर स्पेशल वार्ड रूम नंबर 16। थैंक यू सर। यस। अभी अभी एक आदमी किरण भंडारे के बारे में पूछ कर गया है। आई सी। सब आदमियों को खबरदार कर दो, अपना शिकार खुद जाल में फंसने वाला है। सिस्टर प्लीज कॉल द डॉक्टर ऑन ड्यूटी। चलो किरण, चलो जल्दी करो। तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे आदमी हूं। देखो चलो। Thank you.
ठीक है। आजाद गोवा पार्टी ने आज शाम को वास्को के सरकारी अस्पताल में हमला करके अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर उनका सामना किया और उन्हें भगा दिया। भागने वालों में एक शेखर है जो पुलिस की गोली से जख्मी हो चुका है। आप सबको सूचित किया जाता है कि किसी भी आदमी को जख्मी हालत में देखें तो पुलिस को खबर करके गद्दारों को खत्म करने में सरकार की मदद करें। देशभक्तों को गद्दार कहते हुए शर्म नहीं आती इन्हें? सबसे बड़े देशद्रोही तो ये हैं जो नौकरी के लिए सरकारी पिट्ठू बने हुए हैं। हाँ जोली, मैं तो सल्यूट करता हूं इस आजाद गोवा पार्टी को। कम से कम गोवा की धरती पर कुछ लोग ऐसे तो हैं जो पुर्तगालियों का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। तुम भी आजादी चाहते हो? कौन नहीं चाहता जोली, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी है, हमारी भी। हम वो पसंद नहीं करते जो हमारे साहिबा को पसंद नहीं। हम पैदा ही गुलामी के लिए हुए हैं। क्या पुलिस चीफ झूठ बोलता है? मुझे टेलीफोन करने की जरूरत क्या थी? सारा इलाका पुलिस के घेरे में, जख्मी हालत में बचकर जाएगा कहां? क्या क्या सोचा था शेखर के लिए, सब खत्म करके रख दिया। और एक है हमारी बेटी जो सबको देखते हुए भी आंखें बंद किए बैठी। बेटी खाना तो खा लो। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसी के भले की बात कह रहा हूं। एक बार जो सरकारी मुजरिम करार दे दिया गया, वो बच के नहीं लौटता। हाँ, आज हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो क्या सिर्फ अपने लिए? तुम्हारे लिए नहीं, रोनी के लिए नहीं? सारा हिस्सा सुन हो गया, तो कोई दर्द नहीं होगा। देखो, गोली निकाल दो, गोली निकाल दो, गोली निकाल दो, चलो गोली निकाल दो जल्दी। जल्दी, मैं कहता हूं जल्दी निकाल दो, जल्दी। जोली आ गया क्या?
शायद वो आ गया। गोली! मुझे खिड़की तक ले चलाओ, कूद के भाग जाऊंगा। नहीं, इस हालत में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम अपना ध्यान रखना, आज की रात रॉनी इस कमरे में नहीं आएगा। जोली, डार्लिंग, जोली, रॉनी। स्वीटहार्ट, देखो तुम्हारा सब सामान आ गया। हैप्पी नाउ? आने की खबर क्यों नहीं दी? खबर किसे देता, तुम तो हमेशा मेरे पास रहती हो। लुकिंग फैबुलस। झूठे? नाउ रियली जूली, अब तो तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम इस दुनिया में आए हो तो सिर्फ मेरे लिए। चलो ऊपर चले। ऐसे मुझे छोड़ के ना जा।
इस वक्त तुम और ये वही शेखर है जिसके बारे में तुमने रेडियो पे खबर सुनी थी। संभल के, मैं इसे घर पे नहीं रख सकती, वहाँ खतरा है, तुम जानते हो रोनी। हाँ ठीक है ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। हटो। गुड मॉर्निंग रोनी। आओ आओ मोंटेरो। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई तुम्हारे गांव के इस बीच से हमें एक डॉक्टर का कोट मिला है। कोट लाओ। ये कोट उस फिल्दी बास्टर्ड गद्दार शेखर का है जो पुलिस की गोली लगने के बाद समुंदर में कूद गया था। तो तुम्हारे ख्याल में वो इसी बीच से आ निकला है और इस वक्त मेरे गांव में छिपा बैठा है। मेरे गांव में। रोनी के गांव में बागी। मोंटेरो, अगर वो यहां होता तो अब तक उसकी लाश कौए कुत्ते और खेकड़े खा चुके होते। लेकिन अगर उसकी परछाई भी यहां कहीं है तो मैं इस गांव में सूरज की धूप भी उतरने नहीं दूंगा। हर एक घर में जाकर मैं खुद तलाशी लूंगा। तुम लोग इस घर में देखो। सारे गांव में बस सिर्फ एक रोनी ही है जो पोर्चुगीज का बेस्ट फ्रेंड है। ही इज अ ग्रेट मैन। बहुत लकी हो तुम। थैंक यू। अंजलि, आप बियर लोगी? डोंट माइंड। अंजलि, तुम्हारा घर नजदीक है, जाओ गोपाल से कह दो मोंटेरो आया है, वो ड्रिंक्स का इंतजाम कर दे। मैं समझ गई। रोनी सारे गांव की तलाशी ले रहा है। पापा, पुलिस भी उसके साथ है, वो शेखर को ढूंढ रहा है। देखा? कहीं नहीं। वो अगर इन गलियों से गुजरा भी होता तो मुझे यहां की हवा बता देती। चलो गोपाल का घर भी देख लेते। लेट्स गो। गोपाल, गोपाल मेरा खास आदमी है, इसकी बेटी अंजलि जूली का घर संभालती है। यानी आपका घर? इस गांव का हर घर मेरा घर है इंस्पेक्टर, और हर घर के दरवाजे रोनी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। कबाल, आइए आइए साहबा, आइए। इंस्पेक्टर कबाल, इंस्पेक्टर साहब का शक है कि एक बागी इस गांव के किसी घर में छुपा हुआ है। बागी और रोनी के गांव में? रोनी के गांव में। मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसे अपने हाथों से शूट कर दूं। तुम अपनी रिपोर्ट में लिख लेना कि काउंटर फायरिंग में मारा गया। कम इंस्पेक्टर, कम ऑन। इस कमरे में क्या है? Excuse me. मेरी बेटी और उसका पति है, अगर कहें तो जगाऊं उन्हें। नहीं, I'm sorry, गोपाल। कोई बात नहीं, अंजलि जैसी मेरी बेटी है वैसे ही आपकी बेटी है। Shall we go, Inspector? Let's go. अंजलि, मां औरत का सबसे पवित्र रूप होता है। पूजा तो हम भगवान की भी करते हैं क्योंकि वो हमें जिंदगी देता है। मैं तुम्हें मां का दर्जा दूं या भगवान का,
तुमने आज जो कुर्बानी दी है उसके लिए मेरा रोम रोम तुम्हारा एहसानमंद रहेगा बहन। गुलाबपुर में साहब सब ठीक है, अब तुम्हारा मेहरबानी साहब। साहब वो फ्रॉक बहुत पसंद आ। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंकल। किसे मिलने आया? हम गोपाल को, हम फोंडा से उसका उसका मैसेज लाया है। तुम हमको बता सकता है गोपाल किधर रहता है? हाँ, इधर से जाओ, राइट मुड़ जाओ, सामने गोपाल का घर है। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल पक्की रिपोर्ट लाया हूँ गवर्नर हाउस से। लेकिन कार्निवल तो अगले ही महीने है। हाँ, अगर उस दिन हमने पुलिस चीफ को खत्म कर दिया तो समझो हमने पुर्तगाली सरकार को हिला दिया। हम करेंगे किरण, हम जरूर करेंगे। तुम अपने आदमियों को जमा करो। आदमी तो जमा हो जाएंगे लेकिन गोलियां और रिवॉल्वर भी चाहिए। किस लिए रिवॉल्वर चाहिए? जूली, हमारी लड़ाई रिवॉल्वर और गोलियों के बिना लड़ी तो जा सकती है, जीती नहीं जा सकती। हम सब तुम्हारी जीत चाहते हैं। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नहीं जूली, तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। रोनी के अपने गाँव में हम छुपे हैं तो तुम्हारी वजह से। तुम जो कर रहे हो क्या अपने लिए कर रहे हो? जब तुम लोग दूसरों के लिए अपनी जान पे खेल रहे हो तो हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। जितनी रिवॉल्वर्स चाहिए मैं मंगवा दूंगी। हाँ, संभाल के। हाँ, ये सिगरेट, ये वाली पेटी ना। हाँ, ऊपर संभाल के इसे वहाँ रख दो। वहाँ क्यों? यही ना, यही ना। पाब्लो, खोलो इसे। हाँ साहिबा। पाब्लो, पहले बाकी सामान उतार दो। ये तीन पेटियां ऊपर ऑफिस में, कल एक हमाल आएगा लेने। जूली, तुमने क्या हुआ, इसे खोला नहीं अभी तक? नहीं, मैंने सोचा पहले सामान उतार लें फिर। अरे सामान तो उतरता रहेगा, मैं जरा चेक करना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। पाब्लो, ये क्या है? किताबें? मेडिकल साइंस। ये डॉक्टरी किताबें यहां कैसे आ गई? हैवी हैं, भारी हैं। पाब्लो, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये किताबें भिजवा दो, मेरे ख्याल से यहां गलती से आ गई हैं। भेजने हैं पार्सल्स? तो तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि शेखर गोपाल के घर में है और ये सारा सामान उसी के लिए आया है। लेकिन तुमने पहले तो कभी कुछ नहीं। दूसरों की तरह मैं भी खामोश हूं और हम सब तब तक खामोश रहेंगे जब तक शेखर चाहेगा। क्या चाहिए साहब? अरे वो पुलिस चीफ की बेटी के लिए एक मैंने घड़ी मंगवाई थी, आज उसका बर्थडे है। ये पाब्लो कहाँ है? वो तो चला गया साहब। ढूंढ के लाओ उसे, उसी को मालूम उसने कहाँ रखी। Thank you.
गुड इवनिंग साहबा। आपको गोडाउन से कुछ चाहिए था? पाब्लो, तुम आ गए हो तो मुझे सब कुछ मिल गया। आज मुझे पता चला कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। मुझे कुछ पता नहीं कि कौन क्या है, सिर्फ तुम ही एक हो जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। क्यों नहीं साहिबा, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं पाब्लो, मैं जानता हूं। पाब्लो, 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 तुम ही एक हो जो मेरे बाद ये सारा काम संभाल सकते हो, मेरी जगह ले सकते हो। नहीं साहिबा, कहां मैं, कहां आप। गुड लक। थैंक यू टू पाब्लो। चीयर्स। चीयर्स। पाब्लो, वो किताबें तो तुमने हॉस्पिटल पहुंचा दी होंगी। पहुंचा दी थी साहिबा, वो डॉक्टर ने आपको थैंक्स बोला था लेकिन मैं कहना भूल गया। तुम और भी बहुत कुछ भूल गए। ये किताब खोलना भूल गए। ये रिवॉल्वर भी दिखाना भूल गए हैं। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। किसने मंगवाई है, किस लिए, मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं पाब्लो। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं। कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोलो। कोई नहीं। बोलो। कोई नहीं। एहसान परामोश, मैं तुम्हें, आप चाहे मेरी जान भी ले लो, ये जबान नहीं खुलेगी। मैं तुम्हारी जबान काट कर, नहीं, मैं तुम्हारी जबान नहीं काटूंगा। जबान कट गई तो तुम्हारी इस साजिश का कैसे पता चलेगा? चलो। Yes, boys. आप लोगों के क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं? सर वहाँ ऊपर गैलरी पे 3 गार्ड होंगे और यहाँ दरवाजों पर 1-1 गार्ड और पीछे मेन डोर पर 2 गार्ड होंगे। पुलिस कमिश्नर वहाँ होंगे सर, ताकि उनकी हिफाजत के लिए हमारे आदमी करीब हों। जब से इस देश में क्रांति की हवा चली है, तुम पुलिस वालों के लिए तो पार्टियों में मजा नहीं रहा, हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। यस सर, पुलिस कमिश्नर ने भी इस पार्टी में आने से साफ इनकार कर दिया था। क्यों? शेखर की वजह से। जी हाँ, उसका इस तरह फरार रहना खतरे से खाली नहीं। सरकार की नजरों में तो वो मुजरिम है ही, अब तो वो कोई भी गुनाह करने से चूकेगा नहीं सर। कैसे तो बेलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रे नारे बाबा, बच के रे नारे, बच के रे नारे बाबा, तुझ पे नजर है। हाँ,
तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तो बेलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। सफर है, 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 है। दिल में तेरे जो भी है मुझको खबर है, दिल में तेरे जो भी है मुझको खबर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तो बिलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, डगर है, 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 है। आज अपने प्यार पे मुझको फखर है, आज अपने प्यार पे मुझको फखर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तो बिलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में। जीना तो है चार ही दिन जिएंगे मस्ती में, यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में। आंखों से जाम पियो लेकिन मेरा नाम जियो, दिल मेरा आपका घर है। और लाखों में तू एक ही जान जिगर है, लाखों में तू एक ही जान जिगर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। और तेरे लिए आए तेरे दीवाने, तूने नाचे गाए हर रंग जमाने, कैसे कैसे तू बिलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है।
दुश्मन समझते क्या है कमीनो, अपने ही आदमियों का खून करते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो है? मैं तुम्हें और तुम्हारी पार्टी का नामो निशान मिटा दूंगा, बस करो रानी, एक को खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, मैं ही आदमी से बात करता हूं, रानी मार चलूंगा भाई, कम ऑन चलो, जाए कोशिश करो, कम ऑन चलो चलो, सबके हाथ पांव तोड़कर समुद्र में फेंक डालो, इन हरामजादों के साथ साथ इनका इंकलाब भी डूब जाएगा। जस्ट अ मिनट सर, रॉनी साहब इज एक्सेलेंसी आपसे बात करना चाहते हैं। इज एक्सेलेंसी, सर, यस सर, दिस इज रॉनी हियर, आई एम ऑनर्ड सर, थैंक यू सर, आई विल बी देयर, थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। Good night, sir. Jolene! Darling! Sweetheart, my love! Give me a kiss, give me a kiss. आज तुम्हारे रॉनी ने वो कर दिखाया जो गोवा की सारी पुलिस नहीं कर सकी। You know कि पुर्तगाली सरकार आज मुझसे कितनी खुश है? His Excellency ने मुझे मुबारकबाद दी और पर्सनली मुझे चाय पे इनवाइट किया है, पर्सनली। कल तुम्हारा रॉनी His Excellency के बराबर बैठकर चाय पिएगा, चाय। अब देखना मेरा पावर, गोवा की सारी पुलिस मेरी मुट्ठी में होगी और मैं सबसे पहले इन इनकलाबियों को खत्म करूंगा, उनकी आजाद पार्टी का नाम और निशान मिटा दूंगा। Cheers, to Ronnie, to his success, to his prosperity, to his power। पिताजी जीते रहो बेटा। माँ। बेटा। बेटे इस वकालतनामे पे दस्तखत कर दो। तुम्हें जज के सामने जाकर सिर्फ इतना कहना है कि तुम बेकसूर हो, तुमने खून नहीं किया। लेकिन ये तो झूठ है। पुलिस के रिकॉर्ड में सच है कि जिस पिस्तौल से गोली चली वो पिस्तौल पुलिस को नहीं मिला, और दूसरे तुम मौका वारदात में पकड़े नहीं गए। पुलिस के लिए साबित करना मुश्किल हो जाएगा खून तुमने किया। लेकिन ये तो सिर्फ मेरा केस लड़ने के लिए है। तुम चाहते क्या हो? नहीं कामत साहब, मुझे अपने साथियों से अलग मत कीजिए। क्या मतलब? वकील केस लड़ेगा तो सारे इंकलाबियों के लिए, मुझे अकेले के लिए नहीं। मैं अपने साथियों को दगा नहीं दे सकता। इसे समझाइए, मैंने इतना रुपया खर्च करके बंबई से वकील मंगवाया और यह वकालतनामे दस्तखत करने से इनकार कर रहा। मैं इसे आजाद करा सकता हूं और ये
मेरी आजादी की फिक्र मत कीजिए साहब। हाँ, अगर आपका इतना ही रसूख है तो मेरे देश को आजाद करवा दीजिए, सारा गोवा आपका एहसानमंद होगा। सुने, देख रहे हैं भंजी, इसे समझाइए, इसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। शेखर ने जो फैसला किया है हम उसे नहीं बदल सकते। ये आप कह रहे हैं? आपका इकलौता बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है और आप? ऐसी फांसी हर किसी को कहां नसीब होती है कामत साहब। हमें तो अफसोस है कि हमारा एक ही बेटा है, हजारों होते तो देश के लिए फांसी चढ़ने वाला हर शहीद दयानंद सरस्वती का बेटा होता। उषा माँ जी, जीती रहो बेटी, कहीं जा रही हो क्या? नहीं उषा, जीती रहो बेटी। मैं तो यहाँ रहने के लिए आई हूँ आप लोगों के साथ। हमारे साथ? क्यों, क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं तो हमेशा यहाँ रहने आने वाली थी। तुम ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं ना? लेकिन मैं तो नहीं बदली, मैं तो वही उषा हूँ जिसे आपने अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। क्या मुझे आपकी सेवा करने का अधिकार नहीं देंगे? अपनी बहू को घर के अंदर नहीं ले जाएंगे? उषा मेरी बेटी, मेरी बहू, हमारे लिए तो तू ही बेटा है, तू ही बहू, चला। भाई साहब ये क्या अनर्थ हो गया? धीरज रखो भाई, धीरज रखो। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे गोवा की धरती पर कोई फरिश्ता उतर आया हो। सचमुच वो किसी देवी देवता से कम नहीं जिन्होंने शेखर जैसे बेटे को जन्म दिया। और दोस्तों ये हमारा सौभाग्य है कि शेखर को हमने अपने गांव में पनाह दी, हमें उसकी सेवा करने का मौका मिला। और दोस्तों जब भी गोवा की आजादी का इतिहास लिखा जाएगा शेखर के नाम के साथ हमारे इस गांव का नाम भी आएगा। मैं इस गांव का नाम राख में मिला दूंगा। यू ब्लडी बास्टर्ड, मेरे दुश्मन को मेरे ही गांव में छुपा के रखा था। कहां छुपा के रखा था उसे? किसके घर में रखा था? कहां पना दी थी तूने? और कौन कौन है इस गांव में जो तेरी बोली बोलते हैं? तू बोलता है? नहीं। कहां छुपा के रखा था उसे? नहीं मालूम। बोल। नहीं मालूम। वो हमारे घर में था साहिबा। तुम्हारे घर में? नहीं, मेरे घर में था। वो मेरे घर में था। मेरे घर में था। मेरे घर में था। मेरे घर में था। जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम रॉनी है, रॉनी जिसने तुम लोगों को पाला है। तुम्हारे पेट में जो खाना है वो रॉनी का है, तुम्हारे तन पे जो कपड़ा है वो रॉनी का है। तुम लोग जिंदा हो तो रॉनी की बदौलत, और आज तुम लोग सब मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हो। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। Come on, get up! रॉनी, हमने तुम्हें गॉड फादर माना, लेकिन अब तुम गॉड फादर नहीं रहे। मुझे ये कान तुमने दिए थे, लेकिन इन कानों से हमेशा मैंने शेखर की आवाज सुनी। मैं बहरी तो हूं ही, अगर अंधी भी हो जाऊंगी तो उसी आवाज के पीछे जाऊंगी। रॉनी तुम अब हमारे नहीं रहे, वो हमारा है। ये लो अपने कान। किसने तुम्हें ये बातें सिखाई मामा? किसकी शह पर तुम्हें इतना हौसला आ गया? कौन है वो जिसने तुम्हारे मुंह में यह आवाज भर दी? बोलो मामा, कौन है वो? बोलो। सब तुम्हारा अपने भी हमारे साथ है? मेरे अपने? यकीन नहीं आता तो अपने घोड़ा में जाके देख लो।
gonna shoot you. Shoot me. Yes, shoot me. कितने लोगों को शूट करोगे? आज मैं अकेली नहीं, ये गांव नहीं, सारा गोवा शेखर के साथ है। सारा देश शेखर के नाम की जय जयकार कर रहा है। और तुम्हारे नाम, तुम्हारे नाम? हाँ, मेरे नाम। क्या बोलते मेरे नाम के साथ? तुमने शेखर को पकड़वाकर देश के साथ गद्दारी की है। और तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये गद्दारी नहीं, ये गद्दारी नहीं, और ये गद्दारी नहीं। मैंने तुम लोगों को क्या से क्या बनाया, और आज तुम लोग एक आदमी के बहकावे में आकर मेरे खिलाफ हो गए। क्यों क्यों जूली, क्यों? ऐसी क्या बात है उसमें कि उसने मेरा गांव, मेरे आदमी, मेरा साया ही मुझसे छीन लिया? क्या जादू है उसके पास? बोलो, क्या जादू है उसके पास? देशभक्ति। वो तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं। तुम जो करते हो अपने लिए, वो जो करता है दूसरों के लिए। तुम गांव वालों को कुछ देती भी हो तो अपनी बढ़ाई सुनने के लिए, उनका सलाम लेने के लिए। और वो सारा गोवा उसे दिल से सलाम करता है। वो अपने जिस्म पर गोलियां खाता भी है तो अपना गोदाम भरने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश को आजाद करने के लिए। ओ वारम सदा वारम सदा। गाली मत दो उसे। आज वो गोवा के आसमान पर चढ़ता हुआ सूरज है। थूकता मैं ऐसे सूरज पे। थूक कभी सूरज तक नहीं पहुंचती, उल्टा अपने ही मुंह पर आ गिरती है। वो सूरज बहुत जल्द ही डूबने वाला है। कुछ ही दिनों बाद वो कुत्ते की तरह फांसी के तख्ते पर लटकता होगा। शेखर शेर की जिंदगी जिया है और शेर की मौत मरेगा। तुम सारी जिंदगी दौलत और ताकत के पीछे पागल कुत्ते की तरह दौड़ते रहे हो। और तुम कुत्ते की मौत मरूंगा। अब भी वक्त है रॉनी, अपने किए पे प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाकर शेखर के माता पिता से माफी मांग लो। माफी, माफी। बोल। पागल कुत्ता माफी नहीं मांगता, सिर्फ काटता है। कल सुबह तक शेखर के खानदान का नामोनिशान नहीं रहेगा। अभी बाकी है। किसे मारने आए हो तुम? इस रिवॉल्वर से किसकी जान लेने आए हो तुम? कौन आया है? कौन है बेटी? आप इसे जानते हैं? ये वही हत्यारा है जिसने शेखर को। हाँ बेटी, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। कई बार मामूली से मामूली इंसान भी सबके सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाता। फिर तुम तो रोनी हो। तुम शायद समझते हो कि हमारे दिलों में तुम्हारे लिए नफरत है। नहीं बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। शेखर ने जो रास्ता चुना था उसकी मंजिल यही थी। अगर तुम उसे गिरफ्तार नहीं करवाते तो कोई दूसरा करवा देता। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और अगर तुम ये समझते हो कि तुमसे भूल हो गई है तो तुम्हारे दिल का पश्चाताप ही तुम्हारे मन का पाप धो देगा। हाँ रोनी बेटे, तुमने अपनी तरफ से ठीक ही किया है। सिर्फ एक बात, लगता है तुम्हारे दिल में आज तक अपने देश के लिए प्यार जागा ही नहीं। लोग कहते हैं कि रोनी निर्दयी है, जालिम है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसके दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई है। और मेरा विश्वास है कि उसकी यही अच्छाई
एक दिन उसकी आत्मा को झंझोड़ के रख देगी। किसकी जान लेने जा रहा था मैं, जिसने मुझे अपने घर में पनाह दी, मुझे मौत से बचाया। मेरे हाथों अगर वो मर जाते तो जूली ठीक कहती थी, मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, और शेखर जो कर रहा है वो दूसरों के लिए है। वो तो कल फांसी चढ़ जाएगा और उसका जिम्मेदार होऊंगा मैं। आज समझ में आ रहा है कि पुरंदरे ने पिताजी को गोली क्यों मारी थी। वो इतने जख्मी हो चुके थे कि गिरफ्तार हो जाते तो पुलिस उनसे सब देशभक्तों के अड्डे पूछ लेती। मेरे पिता देशभक्त हैं, अब मैं उनका बेटा, एक देशद्रोही, अपने ही देश का दुश्मन। शेखर को देखने गए थे? हाँ। क्यों देखने गए थे? फांसी का हुक्म सुनने के बाद शेखर पे क्या असर हुआ है वो तो तुम पहले से ही जानते थे। क्या तुम अब भी खुश नहीं हुए? खुशी हासिल करने के लिए ही तो गया था वहां। अच्छा, लो भर लो रिवॉल्वर में गोलियां और खत्म कर दो उन सबको जिन्हें तुम अपना दुश्मन समझते हो। तुम साथ दोगी? इस एक रिवॉल्वर से कुछ नहीं होगा जूली, मेरी दुश्मन तो सारी पुर्तगाली सरकार है। हां जूली, जूली, अपनी गलती सुधारने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है ना ही मेरे पास कोई साथी है। क्या मेरी जूली मुझे वापस मिल सकती? रानी, रानी, रानी। एक जूली क्या सारा गांव तुम्हारे साथ है, सारा गोवा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे एक इशारे पे हम सब मर मिटने को तैयार हैं। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। कहते हैं जब तक बंदूक में आखिरी गोली होती है जंग जीती जा सकती है। इंकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ,
इनकलाब जिंदाबाद। गोवा के निवासियों, इस सरफिरे इनकलाबी को आज आपके सामने आपके बीच इसलिए फांसी के तख्त पर लटकाया जा रहा है ताकि इसकी मौत से आप ये सबक सीख सकें कि आइंदा आप में से कोई भी ऐसी गलती या ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। गोवा का अमन बिगाड़ने वाले इस बागी को बम मार दी जाएगी जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएगी। इस आवाज ने आप सब लोगों को पुर्तगाली सरकार के खिलाफ उकसाया है। आज यही आवाज फांसी के फंदे से दबाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, यह फांसी का फंदा नहीं, हम इनकलाबियों की जयमाला है। जल्लाद, इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। 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 अरे मोटेरो, नहीं ऐसे नहीं। कम यहां। ऐसा कभी मत करना मोंटेरो। इसे इस तरह मारोगे तो यहां बलवा हो जाएगा। इसकी मौत का तो ऐसा जश्न होना चाहिए, ऐसा धूम धड़ाका होना चाहिए कि लोगों के लिए एक तमाशा बनकर रह जाए। तुम शायद ठीक कहते हो।
रॉनी नहीं, रामदास। बचपन से जो पर्दा मेरी आंखों पर था वो आज हट गया। आजादी की लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो शेखर, रामदास भी तुम्हारे साथ है। हमने भी अपने सर पे कफन बांध लिया। चौकी नंबर 100, चौकी नंबर 100, हिंदुस्तानी फौजें सरहद पार करके आगे आ रही हैं, हिंदुस्तानी फौजें सरहद पार करके आगे आ रही हैं। इससे पहले कि वो बांदा का पुल पार कर सके, पुल को उड़ा दीजिए। इससे पहले कि वो बांदा का पुल पार कर सके, पुल को उड़ा दीजिए। पुल बचाना होगा, चलो। तुम जाके प्लेन स्टार्ट करो, मैं इन्हें रोकता हूं। Thank you.
अभी अभी खबर मिली है कि हिंदुस्तानी फौजें गोवा की तरफ बढ़ रही हैं। आई नो इससे पहले कि दुश्मन इस ब्रिज तक पहुंचे हमें इस ब्रिज को उड़ा देना चाहिए। इस पुल को उड़ा दो। Thank you.
जूली, आज तुमने आसमान की ऊंचाई पा ली है रामदास। नहीं जूली, आसमान की ऊंचाई तो सिर्फ इस तिरंगे की है। अब तो इसी के साए के तले चला है मुझे। इसकी सेवा, इसकी पूजा, यही मेरी पुकार है। जीना तो है चार ही दिन जिएंगे मस्ती में, यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में। जीना तो है चार ही दिन जिएंगे मस्ती में, यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में।